सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला हरदोई का है, जहां पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो युवतियों को बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी बरामद युवती का मामा है, जिसने कुछ पैसे के लालच में आकर अपनी ही भांजी को गुरुग्राम के एक युवक को बेच दिया। देहात कोतवाली से दो लड़कियां गई थीं और उसमें एक लड़की बालिग थी और एक नाबालिग थी। जो नाबालिग बच्ची है उसके मामा उसका ले गया था उसको अपने साथ ही, और ले जा कर के उसने उसकी शादी वहां पे करा दी किसी यादव बिरादरी के व्यक्ति से गुड़गांव में, जहां पे वो रिक्शा चलाता था। उसके बाद में उसके कुछ दिन बाद एक दूसरी लड़की जो बालिग थी वो भी चली गई और उसके मामा के पास, और मामा ने उससे खुद शादी कर ली। ये प्रकरण इसमें एक मुकदमा लिखा गया था 363/66 का, और जब उसको पुलिस ने ट्रेस किया और वर्कआउट किया तो ये सारा प्रकरण सामने आया। मामा और जिस लड़के से शादी हुई थी दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और दोनों लड़कियां बरामद कर ली गई। 164 का बयान कराया जा रहा है, मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस दोनों युवतियों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराकर आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पंजाब के सीटीवी के लिए हरदोई से आशीष त्रिवेदी की रिपोर्ट।